फ्रेंड्स, और मैं हूँ आर्यन और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके लिए योगा और प्राणायाम के बारे में वीडियो लेके आया हूँ। तो जो बड़े हैं वो तो सभी प्राणायाम करते हैं, लेकिन जो छोटे हैं वो बच्चे और बड़े को देख के वो लोग करने नहीं पाते हैं, मतलब देखते हैं लेकिन करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। और कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो नहीं करते। तो आज मैं उन्हीं छोटे बच्चों के लिए एकदम ईजी स्टेप में प्राणायाम और योगा करके लाया हूँ। तो चलते हैं। सबसे पहला प्राणायाम जो है, सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को इस मुद्रा में रखना है और इसे ऐसे अपने दोनों जगह पे ऐसे और ऐसे सीट कर देना है। अब इसके बाद आँख बंद कर लेना है आपको। और कुछ कुछ बड़े हैं जो 5 बार ओम बोलते हैं, आप जितना चाहे उतना बार बोल सकते हैं, लेकिन इसका स्टेप ये है। सबसे पहले ऐसे बंद कीजिए, फिर आँख बंद कीजिए, फिर ओम। ऐसे आप जितना चाहें, आपकी मर्जी है जितना भी चार, जैसे कि अब मैं तो अभी 3 बार किया हूँ, क्योंकि अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी मैं फिर से करूँगा। और बाकी जो दूसरे प्राणायाम हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताने वाला हूँ। तो जो दूसरा नंबर का प्राणायाम है वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका में एक्चुअली क्या होता है, ये दोनों जो आपके हाथ हैं ये ऐसे ही सेम पोजिशन पर रहते हैं, बस आपको अपने फेफड़े में जल्दी से बहुत ज़्यादा ऐसे करके बहुत सांस भर लेना है और फिर उसी सांस को जोर से नीचे छोड़ना है। इसे आप मिनिमम 5 से 10 बार कर सकते हैं, जैसे कि ये ऐसे किया जाए। ये सब स्टार्टिंग के प्राणायाम से। अब चलते हैं मेन प्राणायाम की ओर। तो सबसे पहले जो मेन प्राणायाम में आता है वो है कपालभाति। इसमें क्या होता है, ये एकदम, ये जो अभी एक्सरसाइज मैंने प्राणायाम किया है एकदम इससे रिलेटेड है। आपको बस अपने फेफड़े में बहुत ज़्यादा करके सांस भर लेना है और उसके बाद उसे धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप करके ऐसे छोड़ना है। इसमें भी हाथ सेम रहेंगे और इसे ऐसे करना है। इसे लगभग 4 से 5 मिनट या जो चाहे वो 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, इसमें बस सांस बहुत ज़्यादा लेना है और आराम से हो जाएगा। और चौथे नंबर पे जो आता है एक्सरसाइज या प्राणायाम वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में एक्चुअली क्या होता है, ये जो एक हाथ है ये ऐसे ही रहता है, बस ये वाला एक हाथ उठा रहता है और इसे आपको क्या करना पड़ता है, अपने नाक पे सेट करना पड़ता है। जैसे कि अंगूठे हैं ये इस पे और ये जो उंगली है ये इस पे, या फिर कुछ कुछ लोग 2 उंगलियों से भी करते हैं। 2 उंगलियों से करना ही सबसे अच्छा रहता है, तो मैं तो 2 ही उंगलियों से करता हूँ, आपको जो अच्छा लगे उससे कीजिए। तो सबसे पहले एक नाक यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे। अब जैसे कि इसमें एक्चुअली करना क्या पड़ता है, इसमें सांस लीजिएगा, ये वाला नाक आप पूरा दाब के रखिएगा, ये जो खाली है उसमें से सांस लीजिएगा और फिर इसे दाबने के बाद ये वाला, फिर इस वाले ये जो 2 उंगलियां हैं इससे ये 2 ये वाले नाक को दाबिएगा और दाबते वक्त, दाबने के बाद इस वाले नाक से जो आप दाब के रखे थे उसमें से सांस छोड़ दीजिएगा, जैसे कि ऐसे। इसे भी आप 5 या 10 बार कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, 5 या 10 मिनट कर सकते हैं आराम से, आपकी दिक्कत नहीं है। आपको जितना टाइम ले, मतलब आपके पास अगर फ्री टाइम हो तो ये एक्चुअली मतलब एकदम सुबह के वक्त किया जाता है या जब भी आप फ्री हो इसे। और ये एकदम जो इम्पोर्टेंट बात है इस टाइम, ये प्राणायाम करने के पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए, प्राणायाम जब हो जाए उसके बाद ही खाना चाहिए, यानी कि ब्रेकफास्ट के पहले प्राणायाम करना चाहिए कुछ भी खाने के पहले। कि एक्चुअली लोग जो प्राणायाम करते हैं, जैसे कि सबसे अच्छे एग्जांपल के तौर पे हैं रामदेव बाबा, वो उस टाइम जिस टाइम प्राणायाम करते हैं उस टाइम कुछ भी नहीं खा रहते हैं, उसके बाद जाके अपने आश्रम में जाके खाते हैं। तो इसमें अगर आप बीच में खाना होना खाइएगा तो आपको दिक्कत होगा करने में, प्राणायाम आपका पेट दुखेगा और कुछ लोगों का इधर भी दुखता है। अब चलते हैं 5वें नंबर पर।
जो है भ्रामरी। अब भ्रामरी में एक्चुअली क्या होता है, ये दोनों हाथ यहाँ से उठते हैं और इन पांचों उंगलियों को, इन चारों उंगलियों को ऐसे रख देना है और ये अंगूठे ऐसे, जैसे कि कुछ लोग ऐसे लाइक करते हैं ना, वो बस ऐसे खोल देना है ऐसे। अब इसे क्या करना है, अपने दोनों आँखों पर ऐसे सेट करना है और ये जो अंगूठा है ये ऐसे टांग के ये ऊपर इसे ये वाले पे इसको ऐसे दाग देना है ऐसे ऐसे किए। और उसके बाद आपको जो करना है वो है ऐसे, कुछ इस प्रकार आपको ये करना है। और इसके बाद जो आपको स्टेप्स में जो आपको बताने वाला हूँ वो ये है। इसके बाद आपको करना है ओम। ओम मतलब पहले मैं ये आपको बताया था लेकिन वो 5 बार करना था, लेकिन ये वाला जो आप ओम करिएगा वो कम से कम 5 से या 6 मिनट तक आप कर सकते हो। जैसे कि ये ऐसे बंद हो गया और उसके बाद और इसके बाद आप तुरंत करने के बाद अपना आँख मत खोलिएगा वरना आपको सब कुछ धुंधला नजर आएगा। इसके लिए यूजुअली आपको एकदम हाथ दोनों जगह रगड़ना है या आसपास में ऐसे हाथ दोनों हाथ को एक साथ भी रगड़ सकते हैं जिससे हाथ में गर्मी हो जाए, और उस गर्म हाथ को ऐसे आँखों पर रखना है, ऐसे रखे फिर ऐसे रखे, उसके बाद धीरे से खोलिए तब आपको सब ठीक से नजर आएगा वरना ऐसा नहीं होगा। तो चलता हूँ दोस्तों, मैंने जो आपको इजी स्टेप्स बताए हैं वो करवाइएगा। और एक्चुअली ये तो मैंने वीडियो बच्चों के लिए बनाया है, तो उन्हें भी ज़्यादा प्रेरित कीजिएगा इसे करने के लिए। तो चलते हैं, टाटा।